लगातार गुट के विधायक जितेंद्र अवहार पर हमले की कोशिश को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में नेताओं की गाड़ियों पर हमले को लेकर वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने लोगों से एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कारों को तोड़ने की अपील की है। आरक्षण बचाव यात्रा के मौके पर प्रकाश अम्बेडकर परभणी में है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आशा किरण होम शेल्टर में हुई 14 लोगों की मौत को लेकर बयान दिया है। इसे लेकर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम संचालित है, वहां ऐसे लोग रहते हैं जो बेसहारा होते हैं और पुलिस या एजेंसी उन्हें रेस्क्यू करती है। ऐसी रिपोर्ट है कि जुलाई के महीने में 14 मौतें हुई, इनमें से एक नाबालिग है। ये गंभीर विषय है और इस पर मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में मामले की जाँच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। जज ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जज ने अहम टिप्पणी की, गनीमत है कि जैसे आपने ड्राइवर को गिरफ्तार किया वैसे पानी का चालान नहीं काट दिया। पूरा मामला आपराधिक लापरवाही का है, जिम्मेदारों को ढूंढिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के कई नेता राहुल गांधी को घेरने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी को बुरी तरह घेरा। गिरिराज सिंह ने उन्हें सबसे बड़ा झूठा आदमी बताया। गिरिराज सिंह ने राहुल के ईडी वाले दावे पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड डोनेशन के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन देन की व्यवस्था की एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में शीर्ष कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही स्टेट बैंक को फौरन चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था। केरल के वायनाड जिले में 2 भूस्खलन में 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। अभी तक 74 शवों की पहचान नहीं हो सकी। अब प्रशासन ने इन शवों को 7 गांव और एक नगरपालिका क्षेत्र के कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला किया है। आवश्यक प्रक्रिया के बाद इन शवों को दफनाया जाएगा। आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई थी। अब ईडी ने पीड़ित महिला को पूछताछ के लिए बुला लिया है। पीड़ित महिला ने दोनों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी जाँच आगे बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और विधायक रामपुर नंदलाल के साथ समेत पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही मौके पर जारी राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही प्रभावित ग्रीन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी और एसपी ने मुख्यमंत्री को घटना की विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में उनके भाई से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। दरअसल उनके भाई के घर चोर घुस गया। अरविंद केजरीवाल के अबोहर निवासी चचेरे भाई महेंद्र बिंदल के घर शुक्रवार दिन दहाड़े चोर घुस गया। चोर घर की दीवार फांदकर खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया और वहां से टूटियां चुरा ली। भागते समय शीशा लगने से चोर लहूलुहान हो गया और पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में उनके बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का पक्ष साफ है, कल भी हम आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हैं। लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस बताए कि उन्होंने किसे आरक्षण दिया। आज तक के लोकतंत्र में न कांग्रेस पार्टी ने किसी को आरक्षण दिया और न ही लालू प्रसाद यादव ने किसी को आरक्षण दिया।